देखो बच्चों, मैंने बीच में 7 वाला क्वेश्चन स्किप किया था, वो मैं भी आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे फाइंड अ वैल्यू है, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखा है, अब मैं धीरे धीरे उसकी वैल्यू डालने की कोशिश करूंगा। साइन पाई बाई सिक्स मीन साइन 30, उसकी वैल्यू होगी 1/2। कॉस पाई बाई फोर 45, और टेन पाई बाई सिक्स 1/√3। ठीक है, डिनोमिनेटर के लिए हम लोग चलेंगे तो साइन पाई बाई सिक्स 31/2, दिस इज √3/2 एंड 10π/4 इज 1। धीरे धीरे इसका सिंप्लीफिकेशन, 2 square 4 तो ये होगा 5/4, √2 square 2, 4/√3। जहां तक इसका सवाल है बच्चों, मैं यहाँ पे ये 2 2 2 कैंसिल कर देता हूं, तो √3 + 2 + 1। अब बच्चों धीरे धीरे इसको मेरे को सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ना है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैं ऊपर से एलसीएम क्या ले रहा हूँ, 4√3। ऊपर से एलसीएम क्या ले रहा हूँ, 4√3, तो यहाँ पे 4 है, √3 इज मिसिंग, तो 5√3, 4√3, यहाँ पे 2 है तो मिसिंग क्या होगा, 2√3, और यहाँ पे √3 है तो मिसिंग क्या है, 4, तो 4 का क्या हो जाएगा, 16, मिसिंग 4 है। हाँ, एलसीएम लिख दो 4√3। अब यहाँ पे एलसीएम आएगा √3 + 2 तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि एलसीएम क्या लिया, 4√3, तो √3 मिसिंग, 2√3 मिसिंग, और 4 4 16, 2 एलसीएम, तो √3 + 2/2। अब बच्चों मैं ऐसा मान रहा हूं कि यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अगर ए बी सी डी है, तो ए के साथ, मतलब मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 5√3 + 2√3 कितना होगा, 7√3, और उसके साथ -16। अब ये जो 2 है ना, उसको ऊपर ले लो न्यूमेरेटर में, और 4√3 को डाउन करो, तो √3 + 2, और √3 + 2 कैन बी रिटर्न एज 2 + √3। आप लोग समझ रहे हो मैं जो लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। बाय द वे, आगे बढ़ने के लिए बच्चों मैं एक स्टेप ये कर रहा हूँ कि पहले ये 2 + √3 को हटाने की कोशिश करूंगा, 2 + √3 को, तो जिसके चलते मैं 2 - √3 से रैशनलाइज करने की ट्राई करूंगा। या तो फिर बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ खत्म, चलो एक बार लिख लिया है तो उसी से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो 2 - √3 से मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड, जिसको बोलेंगे रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब जहां तक सवाल इसका है, तो सबसे पहले 7 2 = 14√3, और ये 16 2 = 30, और इसको फिलहाल मैंने एज इट इज रखा है, और ये 2m + n m - n, m² - n² 2 square 4, √3 square 3, 4 - 3 is 1, तो रिमेनिंग इज 4√3 × 1। अब बच्चों ये दो ब्रैकेट सेफ खोल ले, देखो इसमें कैलकुलेशन पे फोकस करना है, 14 × 2 = 28√3, 14√3 × √3, √3 × √3 = 3, 14 3 = 42, 32 = 64, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 32√3 डिवाइडेड बाय 4√3। अब बच्चों मेरी बात सुनो, 28√3 + 32, तो 32 + 28 = 10 = 60, तो ये हो जाएगा 60√3, समझ रहे हो, और 64 + 42 = 6, ये हो जाएगा 106, तो -106 क्या होगा बच्चों, 106, 4√3। ठीक है, अब मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश क्या कर रहा हूं बच्चों, कि सबसे पहले इसमें से मैं मेरे को थोड़ा आगे बढ़ने के लिए मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, √3 को नीचे से, मतलब हो सके वहां तक स्क्वायर रूट वाली टर्म डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, तो जिसके चलते मैंने क्या किया है, √3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया है, तो ये √3 × √3 3, 60 × 3, 60 × 3 180, और ये हो जाएगा 106√3, और ये होगा √3 × √3 3, 4 3 क्या होगा, 12। बच्चों ऊपर और नीचे से 2 कॉमन निकाल लो और कैंसिल कर दो, तो 90 - 53√3 / 6, तो एज पर माय नॉलेज इसका जो सिंप्लीफिकेशन निकल के आएगा वो ये होगा। मैं एक बार इसको फिर से धीरे धीरे रिवाइज करवा देता हूं, कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल इश्यू है तो, फिर से एक बार,
साइन 30 की वैल्यू डाली, सर ने कॉस 45 की वैल्यू डाली और टेन 60 की वैल्यू डाली। साइन 30 वन बाई टू, कॉस 45 वन बाई रूट टू, टेन 60 वन बाई रूट थ्री। साइन 30 वन बाई टू, कॉस 30 रूट थ्री बाई टू, टेन पाई बाई फोर वन। 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 अपॉन 4। 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2, 4 बाय रूट 3। 2 2 कैंसिल कर दिया तो रूट 3 अपॉन 2 प्लस 1। यहां से जो एलसीएम लिया वो 4 रूट 3, तो यहां पे रूट 3, यहां पे 2 रूट 3 और यहां पे 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 रूट 3 एलसीएम, यहां पे 2 एलसीएम। 1 2 3 4, तो सबसे पहले 5 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, मतलब 5 प्लस 2 7 रूट 3 माइनस 16, ये 2 को न्यूमेरेटर में ले लिया है और 4 रूट 3 को डाउन करके यहाँ पे लिखा। ये स्टेप के बाद 2 प्लस रूट 3 को हटाने के लिए एक्चुअली था रूट 3 प्लस 2, मैंने लिखा 2 प्लस रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 से उसको रैशनलाइज किया गया। तो यहाँ पे m प्लस n, m माइनस n, m स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, रूट 3 स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 इज 1, 4 रूट 3 एज इट इज। और यहाँ पे सर ने क्या किया, 2 को अंडर ले गए, तो 7 2 जा 14 और ये 32। After that 4 root 3 into 1, 4 root 3, and more importantly 14 root 3 into 2, 28 root 3, root 14 root 3 into root 3, root 3 into root 3, 3 14 3s are 42, 32 into 2 64, minus minus plus 32 root 3 or divided by 4 root 3. Iske baad मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 32 प्लस 28 और 42 64 को ऐड किया, यहाँ पे रूट 3 को हटाना। तो वापिस एक बार, हमेशा डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म आती है उसको हटाने की कोशिश करो, ऊपर नीचे से रूट 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, ठीक है। तो रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो 16 इंटू 3 180, 106 इंटू रूट 3 3, रूट 3 इंटू रूट 3, 4 3 जा 12। यहां से यहां पे आने के लिए मैंने ऊपर और नीचे से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल किया है, एक बार आप देख लो।